हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। तो आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज इन हिंदी एंड इट इज फॉर बिगिनर्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि लूप कैसे यूज करते, तो मैंने आपको एक लूप से फैमिलियर कराया था जो कि था फॉर लूप, और मैंने आपको ये प्रोग्राम्स कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं वो बताया था। और इस वीडियो में जो कि लेक्चर नंबर 11 है, हम फॉर लूप के बारे में और जानेंगे, और मैं इसमें आपको और बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसा कि आपके सामने लिस्टेड हैं वो बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज लूप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर पिछले वीडियो को अगर अपन ध्यान से देखें, उसकी स्लाइड को देखें जो मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, तो उसमें हमने नेचुरल नंबर प्रिंट किए थे, इवन ऑड प्रिंट किया, टेबल प्रिंट किया और ये सीरीज प्रिंट की थी। तो मैंने आपको जो लूप इटरेट करके बताया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रन हो रहा था। अभी हम देखेंगे कि लूप को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कैसे रन कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी डाउट को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब आप वीडियो कंटेंट देख लेते हो तो आपको काफी चीजें तो समझ में आ जाती हैं, बट कुछ डाउट्स मन में रह जाते हैं, और बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको डाउट्स क्लियर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ जिनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि लूप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रन होगा। सो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं एक। अब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं आई, देन यूजर से हम एक नंबर रीड कराते हैं, वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, उसको स्कैन कराते हैं। तो अगर मुझे नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराना है तो नेचुरल नंबर प्रिंटिंग के लिए आप क्या करेंगे, लूप को वन से स्टार्ट करेंगे और एन तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रन करेंगे। बट अपनी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको नेचुरल नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने इनपुट किया 20, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 20, बट हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है 20, 19, 18 अप टू 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप को इनिशियलाइज करेंगे n से। तो मैंने लिखा i इक्वल्स टू n, कंडीशन हो जाएगा i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड i माइनस माइनस। तो ये अपना इनिशियलाइजेशन की लूप की बिगिनिंग कहां से होगी, n से। तो जो भी वैल्यू n में अवेलेबल है वो i के अंदर असाइन हो जाएगी, फिर जब तक i 1 से बड़ा और उसकी इक्वल है तब तक ये लूप रिपीट होगा एंड i हमेशा अपने आप को 1 से डिक्रीज करेगा। एंड फॉर लूप के साथ हमें प्रिंट एफ को रिपीट करना है, तो मैंने लिखा बैक स्लैश एन परसेंट डी और आई को प्रिंट करा देते हैं। तो इस तरीके से लूप को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां मैंने ये एक्स्ट्रा स्लैश यूज कर लिया था, उसकी वजह से एरर आई। एन को भी डिक्लेयर करना भूल गया। तो जो भी वेरिएबल आप यूज करते हैं उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, ये आप समझ ही चुके होंगे अगर आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। तो मैंने इनपुट किया 10, तो आप देख सकते हो नेचुरल नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी लूप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। देन आगे बढ़ते हैं, अब हमें प्रिंट करना है सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर पिछले वीडियो को देखें तो मैंने आपको जितनी भी सीरीज प्रिंट होती है वो प्रिंट करना बताया था। अब हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और उस कैलकुलेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो अभी तक के प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि जो प्रिंट एफ है वो लूप के साथ रिपीट होता है, बट ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जहां प्रिंट एफ लूप के साथ रिपीट नहीं होगा। लूप सिर्फ कैलकुलेशन को रिपीट करेगा एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लूप आपका जो प्रिंट एफ है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो कैलकुलेट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इतना पार्ट सेम रहेगा, यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना पड़ेगा s, जो कि सम स्टोर करेगा, राइट। अब फॉर लूप को मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूं, या फिर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलाएं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रन करके देख लेते हैं,
फिर मैं इसको इंक्रीजिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगाए ताकि आपको पता चल जाए कि जो लूप के साथ स्टेटमेंट रिपीट हो रहे हैं वो लूप के कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो लूप का पार्ट नहीं होगा। और अगर एक ही स्टेटमेंट होगा तो हम कर्ली ब्रेसेस को हटा भी सकते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं s इक्वल्स टू s प्लस आई, ठीक है, और लूप क्लोज करने के बाद मैं प्रिंट करूंगा सम, तो मैंने लिखा सम इक्वल्स टू परसेंट डी एस। ठीक है, तो अब इसको इटरेट करके देखते हैं कि ये कैसे रन होगा। तो अपन नीचे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, जस्ट वेरिएबल की वैल्यू सेट कर लेते हैं। तो लेट सपोज n के अंदर यूजर ने एंटर किया 5, ठीक है, और s इनिशियली 0 है ही, तो जब हम लूप को स्टार्ट करेंगे तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले रन होगा i इक्वल्स टू n, तो i भी कितना हो जाएगा 5। अब चेक करो ये कंडीशन, तो 5 1 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू, तो अब ये स्टेटमेंट सॉल्व होगा। तो s की वैल्यू क्या है 0, i कितना है 5, तो 0 प्लस 5 ऐड हुए और ये वैल्यू किसको मिल जाएगी s, तो अब s की नई वैल्यू क्या हो गई 5। फिर जाएंगे i माइनस माइनस पर, तो i कितना हो जाएगा 4, तो i डिक्रीज हुआ। कंडीशन चेक करूं, कंडीशन फिर से ट्रू। अब हमें s प्लस i फिर से सॉल्व करना है, तो आपने देखा कि अब ये कैलकुलेशन रिपीट हो रही है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हम कैलकुलेशन को रिपीट कर रहे हैं। प्रिंट कब होगा, जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट s की वैल्यू क्या है 5 और i की वैल्यू क्या है 4, तो 5 प्लस 4 कितना होता है 9, तो s के अंदर अब चला जाएगा 9। तो आपने देखा कि 5 और 4 ऐड होके s में जा चुके हैं। अब फिर से i डिक्रीज होगा, i हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर से s और i को ऐड करो, और उससे पहले कंडीशन चेक हो ही जाएगा, तो s है 9, i है 3, तो 9 प्लस 3 कितना हुआ 12। तो इस तरीके से ये वैल्यूज यहाँ पे ऐड होती जा रही है, और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब i की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो लूप कंप्लीट होगा, और उसके बाद प्रिंट एफ सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा जो कि सम को डिस्प्ले कराएगा। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि जब भी आप लूप के थ्रू सीरीज प्रिंट करते हैं तो प्रिंट एफ लूप के साथ रिपीट होगा, और जब लूप कंप्लीट होने के बाद किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट आपको सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले करना है, तो लूप क्लोज करने के बाद आप उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक बार के लिए एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो मैं एंटर कर रहा हूँ 5, तो आप अपने जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कैलकुलेशन करके देखिएगा कि 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 कैसे भी ऐड करें तो उस केस में रिजल्ट आएगा 15। तो मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया है ताकि आप इजीली उसको कैलकुलेट करके जस्टिफाई कर ले कि प्रोग्राम सही से रन हो रहा है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 को ऐड करेंगे तो 15 आता है। तो अभी लूप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा था तो रिजल्ट आया 15। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलाते हैं, तो मैं आई को 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, कंडीशन हो जाएगा आई लेस देन इक्वल्स टू एन, और आई माइनस माइनस की जगह हम लिखेंगे आई प्लस प्लस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर से सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर करते हैं 5, तो आप देखोगे कि सम अभी भी 15 ही प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो लूप हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रन हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रन हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैलकुलेशन कैसे रिपीट करवा सकते हैं लूप के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तो अगर हम फैक्टोरियल की बात करें, सपोज नंबर है 5, तो 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा मैथमेटिकली। अगर आप चलते हैं कि हमें 1 2 3 4 5, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, और जो नंबर है, नंबर अभी है 5, तो 1 से 5 तक जितने भी डिजिट्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, उनका जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर फैक्टोरियल। तो हम इसको भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, रिजल्ट सेम ही आना है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, हमने अभी 1 2 3 4 5 को ऐड किया था, अब प्लस की जगह सिंपल क्या पुट कर दो मल्टीप्लाई, आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। बस आपको दो चीजें और ध्यान में रखनी है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे
जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल जीरो की जगह किससे इनिशियलाइज होगा, वन से, क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका जीरो ही रहेगा। और दूसरी बात, लूप खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट करना है वो चेंज करना है, तो आप यहाँ आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल इक्वल्स टू परसेंट डी एस। वेरिएबल का नाम अगर आप एफ या फैक्ट करके कुछ लिखना चाहते हैं, सिग्निफिकेंट देना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो लेट से मैंने लिया फैक्ट, तो मैंने यहाँ एस की जगह क्या लिख दिया, फैक्ट। तो वेरिएबल आप चेंज अगर ऊपर करते हैं तो आपको सब जगह चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखो कितनी इजीली हमने जो नेचुरल नंबर्स के सम कैलकुलेट करने का प्रोग्राम था उसको फैक्टोरियल कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे वन से एन तक सारे डिजिट्स का सम करना था, यहाँ सभी का मल्टीप्लिकेशन करना। तो फिर से इसको रन करते हैं। अगर मैं एंटर करता हूँ 5, तो 5 फैक्टोरियल इज 120। तो अगर 1, 2, 3, 4, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 120 ही आएगा। तो आप कोई भी नंबर एंटर करें, उसका फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट होकर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ भी कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हमें एक रिजल्ट प्रिंट करना था, तो प्रिंट एफ को लूप के बाहर लिखा। अब कर्ली ब्रेस अगर अवॉइड करना है तो वो पॉसिबल है, क्योंकि फॉर लूप एक ही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो अभी फॉर ऑटोमेटिकली सिर्फ ये जो कैलकुलेशन है इसको रिपीट करेगा, और जो प्रिंट एफ है वो फॉर लूप के साथ रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो कर्ली बेसिस आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको एक ही स्टेटमेंट लूप के साथ रिपीट करना है तो। एक से ज्यादा है या फिर आपको कंफ्यूजन होता है कि नहीं मुझे तो कर्ली बेसिस यूज कर नहीं करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, तो आप कर्ली बेसिस लगा सकते। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रोग्राम को अगली कैलकुलेशन के लिए मॉडिफाई करेंगे। तो अगला है कैलकुलेट पावर। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मेरे एक वीडियो नंबर 6 में आपको बताया था कि हम POW प्रीडिफाइंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पहले नंबर पर आपको इस पूरी वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहां पर आप ये वीडियो नंबर 6 देख सकते हैं। तो उसमें हमने POW प्रीडिफाइंड यूज किया था। अभी हम पावर कैलकुलेट करने के लिए अपना खुद का कोड लिखेंगे, जहां पर हम कोई भी math.h करके हेडर फाइल यूज नहीं करेंगे। हम लूप के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे कि पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो जो भी ये सीरीज फॉलो करना चाहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक और जो भी मैंने अदर वीडियो प्लेलिस्ट लिंक्स बनाए या वीडियो सीरीज बनाई है सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वो इंग्लिश में बनाई गई है और ये हिंदी में है। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए तो आपकी लर्निंग के लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो कैलकुलेट पावर, ठीक है। तो अब देखो कैलकुलेट पावर करना है तो आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में वन नंबर रेज टू द पावर ऑफ अनदर। तो नॉर्मली होता क्या है, जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखते हैं 2 raise 3 या 5 raise 15, मतलब एक बेस नंबर होता है और एक पावर नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बी, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पी और एक डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट, ठीक है, और उसको इनिशियलाइज कर दिया वन से, क्योंकि यहाँ भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने लिखा एंटर बेस एंड पावर वैल्यू, क्योंकि दो इनपुट होंगे, हमें बेस भी पता होना चाहिए और हमें पावर भी पता होना चाहिए। तो दो इनपुट है इसलिए दो बार परसेंट डी लिखा और इस तरीके से स्कैनफ को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब इसका थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं। अगर यूजर ने इनपुट किया बेस 2 और पावर 3, तो 2 की पावर 3, तो हम नॉर्मली सॉल्व कैसे करते हैं, 2 into 2 into 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर ये होता 2 और पावर होता 4, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, 4 times, ठीक है। तो इससे निकल के आ रहा है कि हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, बी मतलब बेस को, और कितनी बार करना है, पी टाइम्स, मतलब पी पावर की जो वैल्यू है उतनी बार हमें बी को मल्टीप्लाई करना है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लूप आप रिपीट करेंगे वो कितनी बार रिपीट होगा, पी टाइम्स। तो आई वन से स्टार्ट होगा और पी तक इटरेट होगा। तो अगर पी 3 है तो लूप 3 बार चल रहा है, पी अगर 4 है तो लूप 4 टाइम चलेगा। तो पावर की वैल्यू जो है उतनी बार हमें लूप को रिपीट करना है, और मल्टीप्लाई कौन होगा, बी। तो अब देखो
इस प्रोग्राम के अंदर मल्टीप्लिकेशन में आई यूज नहीं होगा। आई सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लूप कितनी बार चलना चाहिए वो कंट्रोल करेगा। तो हम लिखेंगे res equals to res into b, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, b का, और रिजल्ट किसमें स्टोर करना है, res वेरिएबल में। तो अब एक बार के लिए इस लूप को इटरेट करते हैं, और उससे भी पहले यहां मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू % res, और ये printf भी लूप के साथ रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक बार चलेगा। तो लूप अभी इतना ही है, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो अभी छोटा नंबर ले लेते हैं, p है 3 और b है 2, i स्टार्ट हुआ 1 से और res है 1, ठीक है। ये अपनी वैल्यूज हैं, राइट। तो अब लूप को स्टार्ट किया, i 1 है, i चेक करेगा कि वो p से छोटा है या नहीं, तो p 3 है तो i इज लेस देन इक्वल्स टू p, कंडीशन ट्रू। फिर रिजल्ट को b से मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट कितना है 1, b कितना है 2, तो 2 इंटू 1 2 किसमें जाएगा, रिजल्ट वेरिएबल में। तो रिजल्ट की नई वैल्यू क्या हो गई 2, मतलब बेस एक बार मल्टीप्लाई हो गया। फिर i प्लस प्लस होगा, आई हो गया 2। फिर अगेन ये कंडीशन चेक करो कि 2 जो है वो p से छोटा है या इक्वल है, यस छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो res फिर से b से मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्टेटमेंट सॉल्व होगा। तो रिजल्ट की वैल्यू अभी कितनी है 2, और b भी कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो रिजल्ट की न्यू वैल्यू क्या आ गई 4। फिर i प्लस प्लस होगा, i हो जाएगा 3, तो i भी 3 है और p भी 3 है, मतलब ये कंडीशन अभी ट्रू होगा। फिर से ये कैलकुलेशन सॉल्व होगी, तो रिजल्ट कितना है अभी 4, बेस कितना है 2, 4 इंटू 2 8, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई 8, ठीक है। फिर से i प्लस प्लस होगा, i हो जाएगा 4। अब चेक करो ये कंडीशन, 4 लेस देन इक्वल्स टू p, p है 3, तो क्या 4 3 के इक्वल या छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब ये लूप टर्मिनेट हो चुका है। अब हम आ जाएंगे printf पर, तो printf क्या करेगा, res की जो करंट वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, और करंट वैल्यू क्या है 8, तो 2 की पावर 3 का रिजल्ट कितना होता है 8। तो इस तरीके से हमने लूप के थ्रू पावर कैलकुलेट। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अब इसको इरेज कर देते हैं, सेव किया, कंपाइल और रन करते हैं। तो मैंने बेस दिया 2 और पावर दिया 3, तो आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने आ गया 8, ठीक है। अगर इसको फिर से रन करें और इनपुट करें 2 एंड 4, तो आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि एक बार और जो रिजल्ट है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पावर कैलकुलेट किया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपने देखा कि हर प्रोग्राम में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और लूप खत्म होने के बाद रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं। तो इसीलिए जो पिछला वीडियो था उसमें सीरीज प्रिंट करना सीखा था, और इस वीडियो में हम कैलकुलेशंस को कैसे रिपीट करते हैं वो हमने देखा। अब अपने पास में दो प्रोग्राम और बचते हैं, एक तो है प्राइम नंबर, कि कोई भी नंबर हमने इनपुट लिया वो प्राइम है या नहीं, और फिर हम एक सीरीज प्रिंट करेंगे फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो पहले लेते हैं प्राइम नंबर चेकिंग, कि यूजर एक नंबर इनपुट करेगा और हमें चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको और बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसको करते हैं इरेज, ठीक है। अब मैं इम्प्लीमेंटेशन भी करता जाऊंगा और साथ के साथ अपन लॉजिक भी डिस्कस करेंगे जैसा हर प्रोग्राम में करते हैं। और आई होप कि आप ये जो वीडियो सीरीज है इसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आपको इसके अंदर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी मैं देता हूँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आप देख रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अपन डायरेक्टली टाइप कर रहे हैं और चीजें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। फिर भी कहीं पर भी कोई डाउट हो, बिना हेजिटेशन के आप कमेंट करिए, या फिर आप मेरे जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने आपको बिगिनिंग में शेयर की थी मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्या आप 5 मिनट का टाइम निकालकर हमको ये चीज़ समझा सकते हैं, तो मैं अवेलेबल हो जाऊँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक तो लूप चलाएंगे, तो आई वेरिएबल, यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे तो एन वेरिएबल, ठीक है। फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ, और अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो जैसे ही हम उसको यूज करेंगे तो यहाँ डिक्लेयर कर देंगे, एंटर वैल्यू ऑफ एन, या आप ये भी लिख सकते हैं एंटर द नंबर हुज यू वांट टू चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो प्रिंट एफ में जो मैसेज है वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ये अपने पास में नंबर आ गया, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है, पहले वो तो बताओ कैसे हम चेक करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं बट हो सकता है अभी याद नहीं हो, ठीक है। तो अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो अपन ने एक नंबर लिया 7 और एक नंबर लिया 6, ठीक। तो किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो आप क्या देखेंगे कि वो नंबर 1 और सेल्फ से डिविजिबल है या नहीं। तो हर नंबर 1 और सेल्फ से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 और सेल्फ से ही डिविजिबल है तो ही वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं। तो अब आप कहोगे कि 7 और 6 में से कौन प्राइम है, तो आप चेक करो 7 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से और 7 से। 7 उसके अलावा किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 7 हो गया प्राइम। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है, तो 6 हो गया नॉट प्राइम। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हर नंबर 1 से भी डिवाइड होगा और सेल्फ खुद से भी डिवाइड होगा, तो उन दोनों को तो इग्नोर ही करना है, उन दोनों से तो डिवाइड करके देखना ही नहीं है। उसके अलावा जो डिजिट्स हैं, जैसे नंबर है 25, तो 25 1 से भी डिवाइड होगा और 25 से भी डिवाइड होगा, तो हमें क्या करना है, हमें 2 से लेकर 24 तक के जो डिजिट्स हैं उनको चेक करना है कि क्या वो 25 को डिवाइड कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो प्राइम नहीं है, अदरवाइज प्राइम है, ठीक है। तो अब आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि लूप हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, 2 से। कहाँ तक चलाएंगे, लेस देन एन या फिर लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस 1, एक ही बात है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये चीज शायद आपको समझ में आ गई होगी कि लूप 2 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमें 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करके देखना ही नहीं है, वो डिवाइड होगा ही होगा। और लूप कहां तक चलाना है, एन से कम तक, तो हमने सिर्फ लिखा है आई लेस देन एन, ना कि आई लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। अगर इक्वल्स टू लगाते हो तो एन माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तो बात एक ही है। अब यहां पर एक चीज और आपको बताता हूं कि अगर नंबर है 25, तो 25 अपने हाफ तक के जो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड हो सकता है। जैसे 25 का हाफ कितना हुआ, 12.5, तो अगर अपन 12 को लेकर चले तो 1 से 12 तक के जो डिजिट्स हैं वो ही उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, उससे बड़े नंबर कभी भी उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम लूप को और हाफ कर दें ऐसे, और या इक्वल्स टू लगा दें, आई लेस देन इक्वल्स टू एन बाय 2। तो लेट सपोज नंबर है 50, तो 50 को कब तक डिवाइड करके देखो, 2 से लेकर 25 तक, क्योंकि 25 के बाद वाले डिजिट्स कभी भी 50 को डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने लूप के रोटेशन को और कम कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डिवीजन की, कि डिवीजन होगा कैसे। तो अब देखो नंबर ले लेते हैं एक एग्जांपल के लिए 7, तो हमें 7 को 2, 3, 4, 5, 6 इन डिजिट से डिवाइड करना है। डिवाइड हमेशा कौन होगा, एन। तो अब देखो प्रोग्राम बनाते हैं, इफ एन, एन को हमेशा डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा कंप्लीटली, तो उसके लिए हमें रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा, और रिमाइंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलस। और डिवाइड किससे करना है, आई से। और डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है वो कौन बताएगा, कि अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो डिवाइड हुआ, 0 के इक्वल नहीं है तो डिवाइड नहीं हुआ। तो n तो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि अगर इस लूप को आप ध्यान से देखो तो लूप के अंदर कहीं भी हमने n को मॉडिफाई नहीं किया, हम हर बार सिर्फ किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, i को। i हर बार पहले 2 था, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 होगा, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और अगर ये नंबर i से डिवाइड हो जाता है तो रिजल्ट 0 के इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये लिख दें प्रिंट एफ, अगर 0 के इक्वल आ गया तो नॉट प्राइम, और एल्स में हम लिख देते हैं प्राइम, ठीक है। ये इसकी एक अप्रोच है कि अगर नंबर आई से डिवाइड हो जाता है इट मीन्स वो प्राइम नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हम लूप 2 से चला रहे हैं और n बाय 2 तक चला रहे हैं, मतलब नंबर 1 और खुद से चेक नहीं हो रहा है, उसके अलावा डिजिट से चेक हो रहा है। तो अगर वो डिवाइड हो जाते हैं तो प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज वो प्राइम होगा। तो एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये अप्रोच काम करेगी। तो अपन नंबर लेते हैं 9, ठीक है, और 9 डिवाइड होगा, तो अपन 9 का हाफ निकालते हैं 4, मतलब लूप इतनी बार चलेगा 2, 3, 4। तो अब देखो 9 को 2 से डिवाइड करके देखा, तो क्या 9 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, आप बोलोगे नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा।
तो हम क्या प्रिंट कर देते हैं, प्राइम। फिर जब लूप आगे बढ़ा और 3 से चेक किया तो ये डिवाइड हो गया, तो क्या प्रिंट हुआ, नॉट प्राइम। तो ये लॉजिक इनकरेक्ट हो गया। मतलब हम लूप के अंदर ये नहीं प्रिंट कर सकते कि नंबर प्राइम है या नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पहले डिजिट से डिवाइड हो जाता है या नहीं होता, उसके बेस पर आप डिसाइड कर पाए कि वो प्राइम है या नहीं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो पहले या दूसरे डिजिट के अलावा तीसरी डिजिट से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको लूप के अंदर सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि नंबर डिवाइड हुआ या नहीं, ठीक। तो इस प्रिंट एफ को हटा दिया और एल्स को भी हटा दिया, ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल यहां पे यूज कर रहा हूं, फ्लैग, जो कि इनिशियली जीरो है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फ्लैग वन हो जाएगा, ठीक, जो कि आपको ये बताएगा कि नंबर डिवाइड हुआ या नहीं। तो अब देखो, इनिशियली फ्लैग जीरो था, नंबर है नाइन, तो नाइन को हमने सबसे पहले टू से डिवाइड करके देखा, तो क्या नाइन टू से डिवाइड हो जाता है, आप बोलोगे नहीं। तो क्या ये इफ कंडीशन ट्रू होगा, नो, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो फ्लैग में वन असाइन नहीं होगा। फिर गए आई प्लस प्लस, ठीक, आई कितना हो गया, थ्री, तो अब की बार नंबर किससे डिवाइड होगा, थ्री से, तो क्या नाइन थ्री से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, आप बोलोगे यस, तो फ्लैग में क्या असाइन हो गया, वन। तो फ्लैग में वन सिर्फ और सिर्फ कब असाइन होगा, जब नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किसी डिजिट से, ठीक। इट मींस लूप खत्म होने के बाद आप सिर्फ चेक करो कि फ्लैग क्या है, अगर फ्लैग वन है तो आप प्रिंट कर सकते हैं नॉट प्राइम। अगर फ्लैग वन है इट मींस आप प्रिंट करेंगे नॉट प्राइम, क्योंकि वो डिवाइड हो चुका है। और अगर फ्लैग जीरो ही रह जाता है तो आप क्या प्रिंट कर देंगे, प्राइम। अब आप कहोगे कि जीरो रह जाता है, वो चीज भी समझा दो। तो अगर ये नंबर होता सेवन, तो सेवन के हाफ होते हैं टू और थ्री, मतलब हमें टू और थ्री से डिवाइड करके देखना है। तो क्या सेवन टू और थ्री किसी से भी डिवाइड होगा, क्या कभी भी ये कंडीशन ट्रू होगी सेवन के केस में, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ना तो सेवन टू से डिवाइड होगा ना थ्री से। तो क्या फ्लैग में वन असाइन होगा, आप बोलोगे नहीं, जब इफ ट्रू ही नहीं हुआ तो फ्लैग में वन असाइन नहीं होगा। तो फ्लैग की बिगिनिंग वैल्यू क्या थी, जीरो। तो जब फ्लैग बिगिनिंग में जीरो से स्टार्ट हो चुका है और ये इफ कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुआ, तो क्या फ्लैग वन होगा, नो, फ्लैग क्या रह जाएगा, जीरो। तो अगर फ्लैग जीरो है लूप खत्म होने के बाद, लूप हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है और उसके बाद हमने इफ कंडीशन को चेक किया, तो अगर फ्लैग जीरो ही है तो कंडीशन फॉल्स इफ वाली, तो क्या प्रिंट कर देगा, प्राइम। और अगर डिवाइड हुआ तो फ्लैग में वन आ जाएगा, तो उस केस में लूप खत्म होने के बाद आप क्या प्रिंट कर सकते हो, नॉट प्राइम, ठीक। तो एक बार के लिए इसको रन करके भी देख लेते हैं, फिर इसमें एक चेंज और बताऊंगा। तो अभी मैंने एंटर किया सेवन, देखो क्या प्रिंट हुआ, प्राइम, सेवन इज प्राइम नंबर। रन करते हैं, मैंने डाला नाइन, तो क्या प्रिंट हुआ, नॉट प्राइम, क्योंकि नाइन थ्री से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखो फिर से अपन लेते हैं नंबर नाइन, या कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 25, ठीक है। तो हमें कहां से कहां तक डिवीजन करना है, टू से लेकर 12 तक, टू से लेकर 12 तक के डिजिट इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो टू से डिवाइड नहीं होगा, थ्री से डिवाइड नहीं होगा, फोर से डिवाइड नहीं होगा, फाइव से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फाइव से 25 डिवाइड हो चुका है और फ्लैग की वैल्यू वन सेट हो चुकी है, तो क्या हमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से डिवाइड करके देखने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डिजिट से डिवाइड हो चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा प्रोसेस है क्या कि हम लूप को हम जब चाहे जब रोक दें, कि अब हमें लूप को इटरेट नहीं करना है तो उसको स्टॉप कर दो। तो आंसर है यस। तो जैसे ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इट मींस नंबर किसी ना किसी डिजिट से डिवाइड हो चुका है और फ्लैग की वैल्यू वन सेट हो चुकी है, तो हमें अब लूप को और आगे नहीं रोटेट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक कीवर्ड यूज करेंगे, ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। तो ब्रेक आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं स्विच के अंदर, जब मैंने आपको स्विच पढ़ाया था तब भी मैंने ब्रेक यूज करना बताया था कि जब आप एक से ज्यादा केसेस रन नहीं करना चाहते तो ब्रेक लगाओ। ऐसे ही अगर आप लूप को एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होने के बाद रिपीट नहीं करना चाहते तो आप ब्रेक यूज कर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको भी रन करेंगे तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा,
तो अगर मैंने नंबर डाला 25 तो ये प्रिंट कर देगा नॉट प्राइम, और जैसे ही 5 से डिवाइड हुआ तो उसी टाइम पे लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे चेक करें कि नंबर प्राइम है या नहीं। और मैंने ब्रेक का यूज भी आपको समझा दिया, और ब्रेक का यूज मैं आपको लास्ट में ही बताने वाला था, ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसमें इसको फिर से रिवाइज करेंगे। उससे पहले देखते हैं फिबोना की सीरीज कैसे प्रिंट होती है। तो इसको तो करते हैं इरेज। और प्राइम नंबर एग्जाम पॉइंट ऑफ यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब हमें प्रिंट करना है फिबोना की सीरीज, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई भी डाउट हो मुझसे कनेक्ट करें ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसका सॉल्यूशन मिले और आप कंफ्यूज ना हो। तो अब यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो T1, T2 मैंने यूज किया ये है टर्म्स। तो टी टर्म, देन T1 टर्म 1 एंड देन टर्म 2, ठीक है। और अभी ही अपन डायरेक्टली लूप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं अभी लूप को 8 टाइम चलाता हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं कि लूप यूजर के अकॉर्डिंग चले कि कितने डिजिट्स हमें प्रिंट कराने हैं, तो प्रिंट एफ स्कैन एफ अब आप यूज कर सकते हो आराम से। तो 1 से 8 तक चलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं वैल्यू ऑफ टी। तो मैंने लिखा परसेंट बैकस्लैश एन परसेंट डी कॉमा टी, टी प्रिंट हो जाएगा। फिर लिखा टी इक्वल्स टू T1 प्लस T2, देन T1 इक्वल्स टू T2 एंड T2 इक्वल्स टू टी। तो टर्म 1 टर्म 2 ऐड होकर टी में असाइन हो जाएंगे, फिर टर्म 2 असाइन हो जाएगा टर्म 1 में, और टर्म असाइन हो जाएगा टर्म 2, ठीक है। और ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि ये एक सीरीज है इसलिए आप देख सकते हो कि प्रिंट एफ लूप के अंदर आ चुका है, और चार स्टेटमेंट रिपीट करना है इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज की, ठीक। अब इसको फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो टी है 0, T1 है 1, T2 है 0, ठीक है। और आई भी ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आई 1, पहली बार लूप चलेगा, टी प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं यहां पर जो चीजें प्रिंट होंगी वो लिख देता हूं, या बिना कमेंट के लिख रहा हूं, उसको फिर इरेज कर देंगे। तो सबसे पहले ये क्या प्रिंट कर देगा, 0, क्योंकि टी की करंट वैल्यू क्या है, 0। अब इसको सॉल्व करो, T1 और T2 को ऐड करके टी में असाइन करो। तो T1 और T2 को ऐड किया तो टोटल कितना आया, 1। तो T1 की नई वैल्यू क्या हो गई, 1। T2 की जो करंट वैल्यू है उसको T1 में डाल दो, तो ये हो जाएगी 0। और टी की जो करंट वैल्यू है उसको T2 में डाल दो, तो टी की करंट वैल्यू क्या है, 1। तो T2 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। पहला रोटेशन फिनिश। अब आई को प्लस प्लस करेंगे तो आई हो जाएगा 2। फिर से हमें टी को प्रिंट करना है, तो टी कितना है अभी, 1। तो अगला डिजिट हो गया 1। अब फिर से इन दोनों को ऐड करो, तो T1 प्लस T2, फिर से 1 आया, तो टी में 1 ही रहेगा। T2 अपनी वैल्यू T1 को असाइन कर देगा, तो T1 कितना हो जाएगा, 1। टी अपनी वैल्यू T2 को प्रोवाइड करेगा, तो टी में भी 1 है, तो T2 1 ही रहेगा। सेकेंड रोटेशन फिनिश। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई अब हो जाएगा 3, ठीक है। फिर टी को प्रिंट कराओ, टी अभी है 1, तो फिर से एक बार 1 प्रिंट हुआ। फिर T1 T2 को ऐड करो, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो टी में कितना असाइन हो गया, 2। तो अब T2 की वैल्यू T1 में असाइन करो, तो T1 1 ही रहेगा, और टी की वैल्यू T2 में असाइन कर दो, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। थर्ड रोटेशन फिनिश, आई प्लस प्लस, तो आई हो जाएगा 4। अब फिर से टी को प्रिंट कराओ, तो टी क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब फिर T1 T2 को ऐड किया, तो T1 और T2, 1 प्लस 2 3, तो टी में कितना आ जाएगा, 3। T2 टर्म 2 को टर्म 1 में असाइन करो, तो टर्म 1 हो जाएगा 2। टर्म को टर्म 2 में असाइन कर दो, तो ये हो जाएगा 3। तो फोर्थ रोटेशन कंप्लीट। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई हो जाएगा 5। फिर से टी को प्रिंट कराओ, तो टी अब कितना प्रिंट हुआ, 3। फिर टर्म 1 टर्म 2 को प्रिंट करो, सॉरी ऐड करो, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5। तो अगली डिजिट आ गई 5। तो अगली बार क्या प्रिंट होगा, 5। और अगर सीरीज को देखें तो हमें प्रिंट क्या करना था, 0 1 1 2 3 5 8 13। तो इस तरीके से आपकी सीरीज ये स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी।
तो आपको सिंपली इनको सॉल्व करना है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बार के लिए रन करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो 0112358 13, तो हमने 8 टाइम रन किया तो 8 डिजिट प्रिंट हुए। आप यूजर से प्रिंट एफ स्कैन एफ के थ्रू इनपुट लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल। एंड अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट बचता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो लूप को स्टॉप करता है, जबकि कंटिन्यू एक रोटेशन स्किप करने का काम करता है। इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, इफ आई डबल इक्वल्स टू 3, तो मैंने यहां लिखा ब्रेक, ऊपर आई को डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब देखो जब भी आई 3 हो जाएगा लूप स्टॉप हो जाएगा। इट मींस नॉर्मली तो लूप 5 बार चलना चाहिए, बट जब आई की वैल्यू 3 है तो वो स्टॉप कर रहा है। मतलब आई जब 1 होगा तो हम उसको प्रिंट करा देते हैं और 2 होगा तो उसको प्रिंट करा देते हैं। तो मैं एक प्रिंट एफ और यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ब्रेक सिर्फ इफ के साथ रिपीट होगा क्योंकि मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, तो इफ के साथ ऑटोमेटिकली एक ही लाइन रिपीट होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि 1 और 2 प्रिंट हुआ, जैसी आई 3 हुआ तो लूप ब्रेक हो गया। और अगर कंटिन्यू यूज करता हूं तो कंटिन्यू क्या करेगा, एक रोटेशन स्किप करेगा। मतलब जब आई 3 है तो कंटिन्यू इस प्रिंट एफ को स्किप कर देगा और कंट्रोल कहां चला जाएगा, आई प्लस प्लस पर। तो 3 के अलावा सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। देखो 1 2 4 5, तो ब्रेक तो लूप को स्टॉप कर देगा जबकि कंटिन्यू एक रोटेशन स्किप करने का काम करता है। और ये दोनों कीवर्ड्स होते हैं तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप इनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। मैंने आपको इतने सारे प्रोग्राम्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैसे इनको इंप्लीमेंट करते हैं। और अगले वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा व्हाइल लूप कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो उस वीडियो में भी हम सेम फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे, पहले सिंटेक्स, देन आपको एक एक एग्जाम्पल उसका लॉजिक कैसे वो रन होता है, कैसे उसको पूरा इंप्लीमेंट करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो आपको व्हाइल लूप्स भी समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप ये जो वीडियो सीरीज है इसको एंजॉय कर रहे हैं। और जो भी आपके सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप मुझसे डिस्कस करो, मेरी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।